G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। सुनक दंपति करीब 45 मिनट तक मंदिर में रुके। इस दौरान उन्होंने नंगे पैर जाकर मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और आरती में हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस के द्वारा ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर दौरे के मद्देनजर मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ऋषि सुनक G20 समिट में शरीक होने के लिए अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ इंडिया आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के अंदर और इसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाके में पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए गए और G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर जांच भी की गई। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। वहीं अपने हिंदू जनों पर गर्व व्यक्त करते हुए ऋषि सुनक ने ये कहा था कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपने प्रवास के दौरान वो दिल्ली के एक मंदिर में जाएंगे। सुनक ने कहा कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ, इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं ऐसा ही हूँ। उम्मीद है कि मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहते हुए मंदिर जा सकता हूँ। हमने अभी परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, इसलिए मेरी बहन द्वारा बांधी गई सभी राखियां मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी मनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन उम्मीद है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम इस बार मंदिर जाएं, तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। नहीं, सच बात है, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो पूर्ण रूप से सच है जो हमने आज देखा। उनकी आंखों में, उनके एक्शन में जो प्रेम, जो भक्ति थी, वो सचमुच एक भक्त की थी। एक राजकीय नेता की नहीं थी, एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।